हेलो यू ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनल और आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑफ दिस मेकअप लुक राइट हियर। इफ़ यू आर अ बिगनर देन दिस इज द वीडियो मेंट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इन डिटेल जाकर हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए आपको सारी टेक्निक्स शेयर की है। तो बहुत ही फ्लॉलेस सा खूबसूरत सा मेकअप फिनिश आप तक कैसे ला सकते हैं, आपका मेकअप डार्क ना हो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, बिगनर्स तो बेसिकली जो सारी डाउट्स होते हैं वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो में मैंने हिंदी में सारी चीजें एक्सप्लेन की है, कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट की क्या जरूरत है और क्या क्या करने से आपका छोटी छोटी चीजें जिससे आपका मेकअप लुक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है, बहुत ही बेहतर दिखने लग जाता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैंने बताई है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अच्छे से एंड तक, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ही आप आगे इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप इज टू मेक श्योर दैट यू यूज अ मॉइस्चराइजर ऑन योर क्लीन फेस। आपके फेस को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का यूज करें। तो मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि मेरा मेकअप बहुत ज्यादा केकी दिखता है या क्रैक होने लग जाता है इन एरियाज पर, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो मेन रीजन उसका यही होता है कि आपकी स्किन अच्छी तरीके से जब मॉइस्चराइज नहीं होगी तो आपका मेकअप जो है उसके ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं होगा। यू नीड टू मेक श्योर दैट अपनी स्किन को आप अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें एंड उसके बाद ही अपना मेकअप की शुरुआत करें। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। तो जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं हमेशा उसे 5 से 10 मिनट का टाइम दें और उसके बाद ही मेकअप करें। ऐसा करने से क्या होता है बेसिकली कि आपका जो स्किन है वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। जल्दबाजी ना करें और मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा अब्सॉर्ब होने के लिए आपके स्किन में टाइम दें। So the second most important thing that you need to use is a primer. Never skip on primer guys. हर किसी को primer की ज़रूरत है और आप हमेशा एक primer का इस्तेमाल करें अपना makeup करने से पहले। So primer का use क्यों किया जाता है पहले मैं ये बता देती हूँ। So primer आप use करते हैं अपने skin को texture free बनाने के लिए, और primer क्या करता है कि आपके makeup के बीच में और आपकी skin के बीच में एक barrier create करता है, एक layer create करता है। इससे क्या होता है कि आपका मेकअप जो है बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होगा और इससे आपका मेकअप टेक्सचर फ्री, स्मूथ और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो प्राइमर हर किसी को लगाना बहुत ही जरूरी है। सो नेवर स्किप ऑन अ प्राइमर। तो प्राइमर जो मैं आज के मेकअप लुक के लिए यूज कर रही हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लॉ परफेक्टिंग प्राइमर। नाउ दिस इज अमेजिंग फॉर योर पोर्स इज वेल। सो मैं आपको बता देती हूँ प्राइमर को आप यूज कैसे करें कि आपके पोर्स उससे छुप जाएं। अपने फिंगर्स के बीच में प्राइमर को लें और इस तरीके से वार्म अप कर लें एंड उसके बाद यू हैव टू जस्ट प्रेस इन द प्रोडक्ट। मैंने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेस किया है स्किन में इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक ब्लेंडिंग और मसाजिंग द प्रोडक्ट। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो पोर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर आउट हो जाते हैं। सो डू ट्राई दिस टेक्निक आउट। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। थर्ड थिंग दैट यू माइट नीड इज अ कलर करेक्टर। नाउ कलर करेक्टर इज ऑप्शनल, हर किसी को कलर करेक्टर की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पर बहुत ज्यादा डार्क मार्क्स नहीं है, ये इजिली फाउंडेशन से कवर किया जा सकता है, ऐसे मार्क्स हैं। तो मैं कलर करेक्टर को यूज नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा डार्क हैं या फिर आपके फेस पर बहुत तरीके के डार्क मार्क्स हैं तो आप इस तरीके का एक ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर है देन गो फॉर अ पीच कलर करेक्टर इंस्टेड, ताकि बहुत ज्यादा डार्क नहीं दिखे आपके स्किन के ऊपर आपका कलर करेक्टर। अगर आपके फेस पर रेड मार्क्स हैं दैट इज व्हेन यू यूज अ ग्रीन कलर करेक्टर एंड उसकी हेल्प से आपके जो रेड मार्क्स हैं और आपके जो स्पॉट्स हैं बहुत इजिली कंसील हो जाएंगे और करेक्ट हो जाएंगे।
द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग अ फाउंडेशन एंड माई फेवरेट हैज टू बी मेबेलिन सुपर स्टे. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अ मेबेलिन पिटमी फाउंडेशन बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन जो हर किसी की स्किन टाइप के ऊपर अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है. मैं ये प्रोडक्ट आप सभी को इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और आप इसे थोड़ा कम यूज करके यू कैन ऑल्सो अचीव अ नाइस नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन लुक एज वेल बिकॉज दैट इज वॉट आई हैव बीन डूइंग. एंड ये बहुत ही लॉन्ग वेयरिंग प्रोडक्ट है एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एब्सोल्युटली लव दिस फाउंडेशन. सो अपने फाउंडेशन का शेड सही तरीके से पिक कैसे करना है मैं आपको क्विकली वो बता देती हूँ. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज स्क्वॉच योर फाउंडेशन राइट हियर. ओके, तो मेरा जो अंडरटोन है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यू नो येलो सॉर्ट ऑफ अंडरटोन है मेरी स्किन का एंड मैं अपने फाउंडेशन शेड को यहाँ पर स्क्वॉच कर लूंगी. एंड जब मैं इसे ब्लेंड करूंगी यहाँ भी अपने नेक पर भी करें तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइक इजीली मेरे स्किन में डिसअपियर हो रहा है. तो जब आपका फाउंडेशन ब्लेंड करने पे यू नो अच्छी तरीके से आपके स्किन में डिसअपियर हो जाए इसका मतलब है कि वो आपका जो शेड है वो आपकी स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है एंड दैट इज योर परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन. अब जब आपने फाइनली अपना राइट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज कर लिया है अब हम आगे बढ़ेंगे फाउंडेशन को अप्लाई करने की ओर. और फाउंडेशन जब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं दो टूल्स का. तो फिर आप एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश को यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके का यू नो एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से भी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं. तो जब भी आप ब्यूटी स्पंज का यूज करें मेक श्योर दैट यू डैम्प द स्पंज. सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आप अपने टैप के नीचे इससे वाटर में सोक होने दे स्पंज को और उसके बाद पूरी तरीके से यू नो इसे स्क्वीज आउट कर ले उसके अंदर का सारा वाटर एंड 5-6 टाइम यू हैव टू लाइक स्क्वीज आउट द वाटर एंड दैट इज हाउ यू गेट अ डैम्प स्पंज. लेकिन अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं स्पंज की जगह तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पंज जो है बहुत ज्यादा यू नो श्योर कवरेज इफेक्ट देता है क्योंकि प्रोडक्ट को थोड़ा सोक इन करता है लेकिन जो ब्रश है वो आपको फाउंडेशन का एग्जैक्ट कवरेज ही देगा. मैं अपने फाउंडेशन को अपनी स्किन पर डॉट आउट कर लूंगी. सो मैं यूजुअली जब भी फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो आई लीव माई अंडर आई एरिया, मैं वहां पर प्रोडक्ट को नहीं अप्लाई करती क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है हमारी वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है. तो यहाँ पर अगर आप ओवर प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा केकी दिखने लग जाएगी. हम यहाँ पर कंसीलर का यूज करने ही वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी तरीके का फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी. जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करें आप अपने ईयर्स तक भी लेकर आए, अपने नेक तक भी प्रोडक्ट को लाएं और अपने हेयर लाइन में भी इसे पुश करें ताकि आपका फाउंडेशन इवनली और अच्छी तरीके से ब्लेंडेड दिखे. अगर आप अपने ब्रश या फिर ब्लेंडर को यू नो स्वाइप करेंगे तो उससे आपके प्रोडक्ट की कवरेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. सो ऑलवेज बाउंस द ब्लेंडर. So the next step is to use a concealer and the one that I am using today is from Sugar Cosmetics which is their Magic Wand Concealer. So basically concealer is a product जिसका coverage बहुत ज़्यादा thick होता है, वो texture wise भी काफ़ी ज़्यादा thick होता है. So basically you use it to add coverage onto your face. So, उसका दो तरीके से यूज किया जा सकता है. एक होता है कि आप लाइट शेड ऑफ कंसीलर यूज करें अपने सेंटर ऑफ द फेस में, जैसे कि ये एरिया हो गया, यहाँ पर ये सारी एरिया, यू नो दीज आर ऑल द सेंटर पोर्शन ऑफ योर फेस. कंसीलर का सेकेंड यूज ये भी हो सकता है कि अगर आपके फेस के ऊपर अभी भी यू नो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हो फाउंडेशन के बाद भी, तो आप एक अपने शेड का कंसीलर यूज करके अपने स्पॉट्स को कंसील कर सकते हैं. सो डेफिनेटली मेरे स्किन पर कोई भी स्पॉट्स नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है कुछ कवरेज की यहाँ पर, तो मैं यूज करने वाली हूँ एक लाइट शेड ऑफ कंसीलर. सो व्हाई डू यू यूज अ लाइट शेड ऑफ कंसीलर मैं आपको वो बता देती हूँ. पहले देख सकते हैं कि मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद मेरा जो फेस है यू नो बहुत ज्यादा डायमेंशंस गायब हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्लेन दिख रहा है फाउंडेशन की वजह से. एंड उसके अंदर यू नो थोड़ा सा लाइट लाने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा स्पॉटलाइट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट लाने के लिए और मेरे जो सेंटर पोर्शन ऑफ द फेस है उसे और ज्यादा ब्राइटन अप करने के लिए मैं यूज करूंगी एक लाइट शेड कंसीलर का. और बेसिकली आई विल बी अप्लाइंग इट राइट हियर एंड यहां पर ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज
little bit right here and here as well. एंड अब मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी. अपने बेस मेकअप को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यू नो मेन रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मेकअप लुक में. अगर आपका बेस मेकअप अच्छी तरीके से यू नो ब्लेंडेड होगा तो आपका ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा. एंड आप अपना कंसीलर जब भी ब्लेंड करें तो आप अपने पूरे फेस पर ना ब्लेंड करें, उसे सिर्फ उतने एरियाज में ही ब्लेंड करना है आपको. अभी आप नोटिस कर सकते होंगे कि ये जो पार्ट है मेरे फेस का बहुत ज्यादा ब्राइटेंड अप दिख रहा है एंड दैट इज डेफिनेटली व्हाट वी नीडेड. ओके सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट योर बेस मेकअप. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक श्योर कि आप क्रीजेस को सेट ना करें अपने. यू नो जब भी आप ब्लिंक करते हैं अपने आंखों को या नीचे ऊपर देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है प्रोडक्ट आपके फाइन लाइंस में सेटल हो जाता है. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ब्लेंड दैट एंड आप उसी तरीके से पाउडर कर दें ऐसे. सो मैं फर्स्ट पाउडर कर लेती हूँ अपने फेस को. ऐसा करने से क्रीजेस बिना सेटल हुए आपका फेस सेट हो जाएगा. हमने जहां जहां कंसीलर अप्लाई किया था हम उन एरियाज अच्छी तरीके से पाउडर कर देंगे. सो मैंने इस तरीके का पाउडर यूज किया है और ये है वेट एंड वाइल्ड की ओर से. ये है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट. मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए अपने फेस पर इसी तरीके से रहन दूंगी. आई नो इट इज लुकिंग टू मच राइट नाउ बट वी विल बी डस्टिंग ऑफ एक्सेस पाउडर लेटर ऑन. पाउडर के बाद हम मूव ऑन करेंगे कॉन्टोर की ओर. और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर का फ्रॉम द सेम पैलेट. अगर आप कॉन्टोरिंग में प्रो नहीं है तो ऑलवेज ट्राई टू यूज अ पाउडर कॉन्टोर इंस्टेड ऑफ योर यू नो क्रीम प्रोडक्ट्स बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट्स कैन बी अ लिटिल हार्ड टू ब्लेंड. वेयर टू प्लेस योर कॉन्टोर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर फेस. सो बेसिकली यू कैन जस्ट प्लेस योर ब्रश लाइक दिस. आपके ईयर के टॉप से यहाँ तक आपका लिप्स जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पर आपको यू नो एक बोन फील होगी एंड दैट इज वेयर यू अप्लाई योर कॉन्टोर. ऑलवेज मेक श्योर डेट यू गो इन अपवर्ड लिफ्टिंग मोशंस. ऐसा करने से क्या होता है कि आपका फेस बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड दिखता है और फ्रेम्ड होता है ऊपर की ओर एंड आपका फेस बहुत ज्यादा स्कल्प्टेड और अपलिफ्टेड दिखेगा. सो जो भी एक्सेस पाउडर था अब मैं उससे डस्ट ऑफ कर दे रही हूं. द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज अ ब्लशर ऑन योर फेस. नाउ ब्लशर इज माय फेवरेट प्रोडक्ट बिकॉज इट इंस्टेंटली मेक्स योर स्किन लुक सो मच मोर हेल्दी. आई थिंक ब्लशर इज दैट वन प्रोडक्ट जो कि बहुत ही फेवरेट है मेरा क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत ही इंस्टेंटली यू नो फ्रेश लुक देता है. तो यू शुड डेफिनेटली नॉट स्किप ऑन अ ब्लशर. आज के लुक के लिए मैं यूज कर रही हूँ माई ग्लैम का केव है ब्लशर जूसी स्ट्रॉबेरी. अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह यू नो गेहुआ कलर हो डस्की कलर हो बेसिकली तो आप यूज करें कोई डार्क कलर का यू नो डार्क पिंक कलर का या फिर इस तरीके का यू नो पिंक कलर यूज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक पेस्टल पिंक्स बिकॉज दोज कलर विल वॉश यू आउट. पेस्टल कलर ब्लशर यूज करने से आपका स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेश इफेक्ट भी दे सकता है. So always make sure to go for dark pinks or coral peach colors. So I'm just taking my brush और मैं इसे थोड़ा सा apply करके dust off करूंगी excess product and इसे हम upward lifting motion में ही apply करेंगे. कभी भी blusher को round circles में ना apply करें, हमेशा उसे upward lifting motion में ही apply करें और ऐसा करने से आपका जो face है वो बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से blush flush of color देगा और अच्छी तरीके से you know upward lifted दिखेगा. The
नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली एवरीवन्स फेवरेट व्हिच इज यूजिंग अ हाइलाइटर. अब हाइलाइटर के लिए आप बहुत इजीली ये वाला हाइलाइटर यूज कर सकते हैं जो कि है वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर. ये एक ऐसा हाइलाइटर है जो कि हर किसी स्किन टोन के ऊपर खूबसूरत दिखता है. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस वन टू यू ऑल. टुडेज लुक आई एम प्लानिंग टू यूज दिस हाइलाइटर राइट हियर. दिस कम्स इन द पैलेट व्हिच इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. This is what the palette looks like and मेरा आज ये highlighter use करने का बहुत ही मन है क्योंकि मैं Wet n Wild वाला हमेशा ही अपने most of the looks में वही use करती हूँ. So I want to try something new today, so I'm using this one today and applying it on the highest points of my face. Can you see that? इतना अच्छी तरीके से you know एक glow add कर देता है highlighter. सो बेसिकली हाइलाइटर आप उन एरियाज पर अप्लाई करते हैं जहां पर आपके फेस के ऊपर यू नो लाइट हिट करती है. सो बेसिकली दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय चीक्स. सो हियर आई विल अप्लाई सम हाइलाइटर ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज अ लिटिल बिट राइट हियर. और जो भी यू नो ब्रश में बचा हुआ है वो मैं यहां पर अप्लाई कर लेती हूँ. अपने फिंगर्स को यूज करेंगे एंड यहां पर हाइलाइटर को अप्लाई कर लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे आईज. सो आवर बेस मेकअप इज ऑलमोस्ट डन एज यू कैन सी एंड अभी हमें सिर्फ अपनी आईज को और अपने लिप्स को फटाफट करना है और हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली लाइक स्प्रिट्स इन सम सेटिंग स्प्रे ऑन योर फेस क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेकअप बहुत ज्यादा पाउडरी दिखने लग जाता है. सो आप उसे मेल्ट डाउन कर सकते हैं एक मेकअप फिक्सर की हेल्प से. यूज एनी टाइप ऑफ मेकअप सेटिंग स्प्रे दैट यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द स्किन फिनिश दैट यू आर लुकिंग फॉर. You can go for a dewy setting spray if you are looking for a glowy makeup look, or even you can use a matte one if you want a matte finished makeup look. Okay, so now I am moving ahead towards filling in my brows. That I've been doing makeup, I have been trying brow products, but मुझे पता नहीं क्यों. I think I am best at filling it with my you know eyeshadow shades only. So what I like to use is I like to use this sort of shade, जो कि बहुत ही ज़्यादा brown भी नहीं है, grey भी नहीं है, black भी नहीं है. It is something in between and that is what I like to use. जब भी मैं अपने brows को fill in करती हूँ तो मैं एक shape को draw out कर लेती हूँ, the shape of my brows basically. और उसके बाद मैं अपने hairline को follow करते हुए कुछ अंदर की तरफ you know strokes बना लेती हूँ and that is basically how I like to fill in my brows. और एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि जब भी आप ब्राउज को अपने यू नो आई शेडो की हेल्प से फिल इन करें सो हमेशा मेक श्योर करें कि आप ना किसी तरीका ब्राउन या फिर ग्रेश ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर यूज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डार्क ब्लैक्स बिकॉज दैट विल मेक योर ब्राउज लुक इवन मोर लाइक ड्रॉन आउट एंड मोर फेक. ओके गाइज, सो नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द आईज जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट पैलेट. दिस इज अ अमेजिंग बिगिनर फ्रेंडली पैलेट एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक सजेस्ट ऑल द गर्ल्स हु आर बिगिनर टू ट्राई दिस आउट बिकॉज दिस इज रियली नाइसली पिगमेंटेड एंड इट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स टू प्ले विद लाइक सो एंड अ फ्लफी ब्रश. एंड इसको आप अपने ट्रांजिशन कलर पर यूज कर लें. सेम पैलेट नहीं है तो आप किसी भी तरीके का ऑरेंज कलर ले सकते हैं एंड आप उसे सिर्फ इस तरीके से यू नो ट्रांजिशन पर अप्लाई कर लें. So you can see now that eyeshadow shade has added warmth. अगर आपको you know eyeshadow look करना पसंद नहीं है तो आप सिर्फ इतने पर भी छोड़ सकते हैं और अपना you know liner या फिर काजल आपको जो भी apply करना पसंद है with a lot of mascara you can go like this as well. लेकिन today I will show you a quick eye look and इसलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे आप इसे किस तरीके से beautiful eye look में convert कर सकते हैं. Picking up this color right here. उसी ब्रश को यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था एंड इन शेड्स को ब्लेंड आउट कर लें. सो यूजुअली अगर आप मेरी वीडियोस बहुत ऑफन देखते हैं तो यू माइट हैव सीन मी डूइंग अ विंग्ड आईलाइनर एंड यूजुअली मैं वही करती हूँ बट लेकिन आज मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का मन है. सो टुडे आई एम यूजिंग दिस काजल पेंसिल. दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम एंड दिस इज देयर जेट सेट काजल पेंसिल. दिस इज अमेजिंग बिकॉज इफ यू लव डूइंग यू नो स्मज्ड आईलाइनर लुक्स देन दिस इज समथिंग यू डेफिनेटली नीड टू हैव. मैं यहाँ पर सिर्फ हाफ पोर्शन तक ही अपना काजल ला रही हूँ कि मैं अब ये आई शेडो शेड लूंगी
सो इस ब्राउन आई शेडो शेड की हेल्प से मैं अपने आईलाइनर को स्मज आउट कर लूंगी और एक स्मोकी इफेक्ट दूंगी। हम दोनों तरफ का आईलाइनर स्मज आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। सो यार गाइस, दिस इज माय क्विक स्मोकी आई लुक एंड अब हम जल्दी से अपने लैशेस को कर्ल और लेंथन कर लेंगे यूजिंग अ मस्कारा। मैं यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का अपडाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा एंड दिस इज अ रियली रियली ब्यूटीफुल मस्कारा। नाउ माय आई लुक इज कंप्लीटेड एंड आई एम इन लव विद द वे इट हैज टर्नड आउट टू बी। लैशेस डेफिनेटली एड्स सो मच मोर ब्यूटी टू योर आई लुक, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट अप्लाइंग सम फॉल्सीज टू योर लुक। लैशेस दैट आई यूज इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स, दिस इज देयर M72 लैश एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी नेचुरल लुकिंग लैशेस है, सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। मैंने थोड़ा सा व्हाइट काजल भी अप्लाई किया है क्योंकि मेरी आईज स्मॉल है, सो इट जस्ट मेक्स योर आईज लुक मोर बिगर एंड मोर बेटर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा की अल्टाइम प्रो HD लिपस्टिक। दिस इज इन द शेड Magnetic 02 and I love this shade so much, so let's just apply it now. तो मेरी लिपस्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो गई है, लेकिन मुझे उसे थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देना है और उसको थोड़ा सा लाइट करना है, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ये माइग्लैम का ट्विन फेस्ड कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं एंड उसे आपको बस लाइक सेंटर में थोड़ा सा अप्लाई करना है। नाउ यू जस्ट नीड टू ब्लेंड दिस। So this is my completed makeup look. Now you can definitely just give yourself a quick spritz of some face mist or any sort of makeup fixer. एंड या गाइज, दैट इज बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं और ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो पोस्ट करूंगी आगे भी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।